और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल कवल जुड़ गए हैं। राहुल, इस वक्त जो खबरें आ रही है, बताया जा रहा है कि छात्रों और जेएनयू प्रशासन के बीच बातचीत चल रही है उमर को सरेंडर करने को लेकर, क्या जानकारी आपके पास? जी, इस वक्त की जो ताजा खबर है वो ये श्वेता कि निगोशिएशन चल रही है जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ, यूनिवर्सिटी के छात्र संघ, मैनेजमेंट और दिल्ली पुलिस के बीच में। इस मामले का आंकलन बहुत हाई लेवल पे हुआ है गवर्नमेंट में और सरकार की तरफ से आदेश गया है कि किसी भी तरीके से वायलेंस को आप रोकने की कोशिश कीजिए, कम से कम आपकी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि सरकार की काफ़ी निंदा हुई है पिछले कुछ दिनों में, जिस तरीके से कन्हैया के साथ पटियाला हाउस कोर्ट में मारपीट हुई, इसको लेकर काफ़ी लोग परेशान थे। तो इस वजह से गृह मंत्रालय की तरफ से जो पुलिस को आदेश गया है वो ये है कि आप पहले तो कोशिश कीजिए कि छात्र सरेंडर करें। तो दिल्ली पुलिस ने मैनेजमेंट से कहा है कि मेन गेट पर आप कन्हैया और बाकी जो चार छात्र हैं जिन पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, उनको आप कहिए कि वो मेन गेट पर आकर समर्पण करें। तो सबसे पहली तो कोशिश ये चल रही है। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कल रात में छात्रों ने कहा था कि हम तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो मेन बिल्डिंग है उसके सामने बैठे हैं, आप हमें आके आग उठाएंगे। लेकिन चूंकि पुलिस को, प्रशासन को चिंता है कि इमरजेंसी के दिनों की बात होगी, ये कहा जाएगा कि ऐसा तो 1975 में डीपी त्रिपाठी के साथ हुआ था, इन चीज़ों से बचने के लिए वो कह रहे हैं कि आप बाहर आके सरेंडर कीजिए। तो ये पहली कोशिश इस वक्त चल रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें बताया गया है कि पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है और पुलिस फिर आदेश का इंतजार करेगी और सही वक्त पर कैंपस के भीतर घुस कर चीज़ों इन चार छात्रों को उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन हकीकत ये भी है कि वहाँ पर कई सारे और छात्र भी हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के बाहर के, वहाँ पर ABBP के भी छात्र हैं, SFI के भी छात्र हैं, IIT के भी छात्र हैं। तो ऐसे में भिड़ंत की संभावना काफ़ी है, चीज़ें बेहद नाजुक हैं, बेहद संवेदनशील हैं और भिड़ंत की संभावना भी है। इससे बचने के लिए फिलहाल बड़ी ज़बरदस्त नेगोशिएशन चल रही है। उमर खालिद कह रहे हैं कि जब वाइस चांसलर आएंगे उनसे वो मिलना चाहते हैं, वो डर नहीं रहे, वो आतंकवादी नहीं है। तो अब कोशिश ये है कि नेगोशिएशन के जरिए इनका समर्पण हो जाए ताकि किसी भी तरीके से वायलेंस की नौबत ना आए। और साथ ही आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएनयू कैंपस से तंसीम हैदर हमारे संवाददाता और रजत सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि वहां का हाल बताएंगे। सुप्रतिम बैनर्जी, आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तंसीम, आपसे जानना चाहेंगे, गेट पर बताया जा रहा है कि पुलिस वहां पर मौजूद है और कभी भी सरेंडर की बात, क्योंकि नेगोशिएशन चल रहे हैं, राहुल ने अभी अभी बताया, वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, क्या हो रहा है? जी देखिए, जो मीटिंग होनी है वो वाइस चांसलर और दिल्ली पुलिस के अफसरों के बीच एक मीटिंग होनी है, कुछ ही देर में यह मीटिंग शुरू होगी। उस मीटिंग के बाद दिल्ली पुलिस ये फैसला लेगी कि VC कितना नेगोशिएशन करा सकते हैं छात्रों के सरेंडर के लिए। और 1% के मान लिया जाए, अगर सरेंडर के लिए छात्र तैयार नहीं होते हैं तो दिल्ली पुलिस इसकी भी तैयारी कर रही है। और दिल्ली पुलिस के अफसरों का कहना है वो दोपहर 11:30-12 बजे तक इंतज़ार करेंगे, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा, वो फोर्सफुली भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो अभी फिलहाल कोशिश ये है कि किसी भी तरह से रिटेलिएशन ना होने पाए, किसी तरह से भिड़ंत ना होने पाए छात्रों के साथ। और दूसरी जो मुश्किल पुलिस के सामने आ रही है कि ABBP के छात्र जो भी कैंपस में वो भी मौजूद हैं, तो कहीं ABBP के छात्रों और उमर खालिद के समर्थकों के बीच में कोई झगड़ा ना हो जाए। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी तकनीकी तौर पर बड़ी अजीब सी हो गई है और दिल्ली पुलिस को बहुत जल्द ये फैसला लेना है कि उनको सरेंडर करवाती है, दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करती है। सुप्रतिम भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुप्रतिम, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त जो वाकई वहाँ की स्थिति है बहुत ही टेंस्ड है और कन्हैया के मामले में उस वक्त जो गलतियाँ हुई थी शायद पुलिस वो दोहराना ना चाहे। ऐसे में बताया जा रहा है कि कई दूसरे छात्र संगठन भी है, बाहरी छात्र भी हैं, वो भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनका क्या कहना है, फिलहाल वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, ये बताएं। बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बताऊं कि आपने एक सही बात कही कि कन्हैया के मामले में पुलिस का जिस तरह का रुख रहा था उसके बाद पुलिस शायद अब थोड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है, वो थोड़ा एहतियात बरत रही है। यही वजह है कि कल रात को तकरीबन 8 बजे के आसपास जब आरोपी छात्रों की मौजूदगी विश्वविद्यालय कैंपस में पता चल गई थी, इसके बावजूद पुलिस ने कोई सीधी कार्रवाई नहीं की बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन की हरी झंडी का इंतजार करते रहे और वो सिलसिला अब भी बरकरार है। वाइस चांसलर छात्रों से भी मुलाकात करेंगे, जाहिर है छात्र भी अपनी बात रखना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं। जिस तरह से कल जो मीटिंग हुई थी उसमें उमर खालिद ने यह कहा था कि वो इस मामले में देशद्रोही बिल्कुल नहीं है और न ही उसने इस तरह की कोई नारेबाजी की थी, और जाहिर सी बात है वो अपने लिए थोड़ा कंफर्ट जोन ढूंढने तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और वाइस चांसलर यही सारी बातें पुलिस के सामने भी रखेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत सिंह भी मौजूद हैं जो अब से कुछ देर पहले कैंपस के अंदर ही थे, और उमर खालिद और तमाम जो दूसरे छात्र मौजूद हैं उनके पास से इन्होंने रिपोर्टिंग की, इनसे भी पूछते हैं। रजत, अभी अंदर का क्या हाल है और जो छात्रों से आपकी बातचीत हुई उससे आपको क्या लगता है कि क्या वो सरेंडर करने के लिए गेट तक आएंगे या फिर इंतजार करेंगे कि पुलिस
पुलिस अंदर आए। देखिए जो रात को बात थी वो बिल्कुल साफ थी सुप्रतिम, उनका साफ तौर पर कहना था अगर हम आरोपी हैं, अगर हमने कुछ गलत किया है तो हम अपने कैंपस में आप आइए, हमको यहां से ले जाइए। लेकिन उसके बाद ये भी बात निकल के आई थी कि वीसी वाइस चांसलर से उनकी मुलाकात होगी। इसी बीच अभी जो खबर आ रही है, क्योंकि जेएनयू टीए कहीं ना कहीं सपोर्ट में खड़ा दिखा है, जेएनयू टीए और की जो काउंसिल है उसकी 10:30 बजे मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या वो छात्र गेट तक आएंगे या वाइस चांसलर पुलिस को जैसा कन्हैया के केस में हुआ था उस तरह की इजाजत देंगे और अंदर से इनकी गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल। अच्छा ये रजत बता रहे हैं कि जो टीचर्स एसोसिएशन है उसका भी समर्थन इन छात्रों को है और छात्र संगठन के लोग भी समर्थन में खड़े हैं, यही वजह है कि एक गतिरोध की जो स्थिति है वो थमने या कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि एक एक जो जिच है जिसे कहते हैं वो बरकरार है। इंतजार करना होगा सुप्रतिम, क्योंकि अभी वहां भी स्ट्रैटेजी बन रही है, मामला उतना सीधा नहीं है जितना लग रहा था। जैसे पहले उन लोगों ने कहा था कि हम सरेंडर को तैयार हैं, लेकिन बीती रात और अब तक में कई घटनाक्रम बदल गए हैं और अब इंतजार है कि टीचर्स एसोसिएशन की बैठक में क्या निकलता है, वाइस चांसलर से बातचीत में क्या निकलता है और उसके बाद दिल्ली पुलिस को क्या परमिशन मिलता है, क्या आदेश दिए जाते हैं। बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है, राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने